दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्यों है, क्या है, इसमें कैसे आप काम कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो डेरिवेटिव वर्ड जो किसी और से डिराइव हुआ, मतलब कोई और स्क्रिप्ट या कोई और सिक्योरिटी है जिसके रेट जब ऊपर नीचे होते हैं तो उससे जो इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया वो कहलाता है डेरिवेटिव। अब जैसे स्टॉक्स की बात करें हम, तो स्टॉक्स के फ्यूचर बनाए गए हैं और ऑप्शन बनाए गए हैं, ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें आप काम करते हैं। ऐसी इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनके अपने फ्यूचर और ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर जब हम स्टॉक खरीद सकते थे सीधे सीधे तो डेरिवेटिव की जरूरत क्या थी, स्टॉक के फ्यूचर्स की जरूरत क्यों थी। तो हमको ये बात समझ में आएगी कि फ्यूचर्स के होने से बहुत ज्यादा कारोबार हो पाया। जब आप किसी स्टॉक को खरीदने की बात करते थे, सपोज आपको डीएलएफ एक शेयर है, आपने देखा उसका रेट चल रहा है 420 रुपीज। अब आप 420 रुपीज के 1000 शेयर अगर खरीदना चाहते हैं इंट्राडे में, तो वहां पे हो सकता है आपको मार्जिन मिल जाएगा, तो 420,000 की बजाय आपको हो सकता है 1 लाख ही देना पड़े और 4 टाइम्स के मार्जिन की वजह से आप इंट्राडे में ट्रेड कर लें। जब आप ट्रेड करते हैं इंट्राडे में तो आपको चुनना पड़ता है कि इंट्राडे के लिए काम कर रहे हैं या सीएनसी या डिलीवरी, उसको दो नामों से जानते हैं, कैश एंड कैरी या डिलीवरी। आप डिलीवरी में अगर ले रहे हैं इंट्राडे के अलावा तो आपको पूरा पैसा चुकाने की जरूरत है। आप 1 लाख रुपया दे के 4,20,000 के शेयर घर नहीं ले जा सकते, अपने अकाउंट में लेके नहीं जा सकते, तो उसके लिए आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। और इंट्राडे में आप मार्जिन यूज कर सकते हैं, तो इंट्राडे में आपको अगर 4x मार्जिन मिल रहा है तो 25,000 पे आप 1 लाख के शेयर खरीद सकते हैं, 1 लाख पे आप 4 लाख के शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जब मुझे कोई बड़ा ट्रेड करना होता, सपोज कि मैं 2000 DLF लेके जाना चाहता हूं, तो मुझे 8 लाख रुपीज की जरूरत पड़ती। 8 लाख रुपीज जब मैं वो लेके जाता, पूरा पेमेंट किया मैंने 8 लाख रुपीज का, और उसके बाद में T+2 में सेटलमेंट होगा। देखिए आपको दिखता नहीं है पर ये सारा सेटलमेंट होता है। आपने शेयर खरीदे किसी से, तो किसी ने बेचे हैं, किसी के शेयर बिके हैं, तो आपका पेमेंट जाएगा उसके अकाउंट में और मार्जिन पे इन उधर जाएगा, आपका मार्जिन उसके अकाउंट में जाएगा, मार्जिन पे आउट होगा आपके यहां से, और डिलीवरी पे इन आपके अकाउंट में आ जाएगा, मतलब वहां से डिलीवरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। इस पूरे प्रोसीजर में टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है, तो आपको लगती थी डिलीवरी की ब्रोकरेज। जब फ्यूचर बना दिया गया तो क्या करना पड़ा, 8 लाख रुपए के बजाय आप 1.5 से 2 लाख रुपए का मार्जिन पे कर रहे हो। अब इस 1.5 से 2 लाख रुपए का मार्जिन पे करने के बाद में अब आप इसको 2 दिन 5 दिन 10 दिन पूरे महीने रख सकते हैं। अगर आपने करंट मंथ का फ्यूचर लिया है तो आप इस मंथ के थर्सडे तक, मतलब एक्सपायरी तक रख सकते हो। अगर आपने नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर लिया है, जनवरी का फ्यूचर लिया है, तो जनवरी के लास्ट थर्सडे तक रख सकते हैं। अगर आपने फॉर मंथ का लिया है, फरवरी का फ्यूचर लिया है, तो फरवरी के लास्ट थर्सडे को सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट होना मतलब आपने लिया है 420 में, अब ये क्लोज कहां होता है, अगर ये 480 क्लोज होगा तो 480 के हिसाब से सेलिंग हो जाएगी फ्यूचर की, और जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये 420 की बजाय 360 पे जाके क्लोज हो रहा है तो आपको जो नुकसान है वो नुकसान सेटल होगा और आपको भरपाई करनी पड़ेगी। जब लॉस की बात आती है दोस्तों, तो वहां पे एम टू एम पे करना पड़ता है, मार्क टू मार्केट लॉस डे टू डे, मतलब किसी दिन आपका दिखा कि 420 से 400 चला गया तो ये 20,000 का जो लॉस है ये आपको देना पड़ेगा, फिर ये 380 चला गया तो और 20,000 देना पड़ेगा, फिर ये वापस 400 आ गया तो जो 20,000 आपके ले रखे थे वो वापस कर दिए जाएंगे, इस तरीके से काम होगा। तो फ्यूचर में काम करने के 4 बड़े फायदे थे। पहला फायदा, आप मार्जिन में काम कर सकते थे, 20% के मार्जिन पे आप 100% ट्रेड कर पा रहे हो, तो ट्रेडिंग के लिए आपको 8 लाख रुपए फंसाने की जरूरत नहीं थी, 1.5 से 2 लाख रुपए में आप उतना ही पैसा कमा सकते थे, अगर आपको समझ है तो। क्योंकि जब आपको मार्जिन मिलता है, 5x लिवरेज मिलता है, तो या तो आप 5 गुना पैसा कमा सकते हो या आप 5 गुना पैसा गंवा सकते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं, आप हैंडल नहीं कर सकते। दूसरी चीज,
आपको ब्रोकरेज इंट्राडे का ही लगता था क्योंकि डिलीवरी का लेन देन हो ही नहीं रहा है। अगर आप डीएलएफ का एक शेयर भी खरीदते तो आपका शेयर होल्डिंग होता, कंपनी में आपकी हिस्सेदारी है, लेकिन पूरा फ्यूचर आपने अगर 2000 का लॉट साइज उठा लिया सपोज, तो भी आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं है कंपनी में। आपकी कंपनी में हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो स्पेकुलेशन हो रहा है प्राइस का, उसकी वजह से डेरिवेटिव का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, उससे जो फायदे नुकसान हो रहे हैं एक्सचेंज उसको सेटल कर देगा। लेकिन डीएलएफ कंपनी से आपका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, आप उसके शेयर होल्डर नहीं है, आपने सिर्फ फ्यूचर में पोजीशन बनाई है, वो भी ट्रेडिंग के लिए। तो दूसरी बात आपको ये समझ में आई कि इंट्राडे का ब्रोकरेज लगेगा। तीसरी बात ये थी कि हम शॉर्ट सेल करके भी रख सकते हैं। कैश में ऐसा था कि आपने अगर खरीद के रखा है तो ठीक है, आप डिलीवरी उठा के रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कल गिरावट आने वाली, तो आप आज बेच दो इक्विटी में, आज शेयर को बेच दो आप 420 पे, और कल को वो 390 हो जाए और आप खरीद के उसका फायदा उठा सकोगे। ऐसा इक्विटी कैश में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में पॉसिबल हो पाया। फ्यूचर में पॉसिबल हो पाया कि आप आज अपना फ्यूचर शॉर्ट सेल करके रख देते हैं और 3 दिन बाद ये गिरावट के साथ नीचे चला जाता है 420 में, या समझो 8 लाख रुपीज में आपने शॉर्ट किया है और वो 7,50,000 का रह गया, प्राइस नीचे चली गई, तो आपने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया और आप डेरिवेटिव का अपना फ्यूचर का प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। वो चौथा फ्यूचर का सबसे बड़ा फायदा क्या था, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है? ये इंडेक्स है, ये सिर्फ आंकड़ा है जो आपको मार्केट की डायरेक्शन बताता है। इसमें जो सारे लीडिंग शेयर्स हैं 50 शेयर्स की प्राइस के एवरेज से ये आंकड़ा बनाया गया है। इंडेक्स एक नंबर है, वो कोई कंपनी नहीं थी जिसमें आप शेयर खरीद के अपनी हिस्सेदारी करते। तो निफ्टी को खरीदना और बेचना पॉसिबल हुआ डेरिवेटिव की वजह से। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, इनके डेरिवेटिव बना दिए गए। तो स्पॉट में निफ्टी सपोज चल रही है 17,100, तो फ्यूचर हो सकता है 17,130 चल रहा, तो हम कहेंगे कि 30 पॉइंट के प्रीमियम पे फ्यूचर चल रहा है। अगर 17,100 चल रहा है स्पॉट में प्राइस और हमारा यहाँ पे 17,050 है, तो हम कहेंगे 50 पॉइंट के डिस्काउंट पे फ्यूचर चल रहा है। फ्यूचर का प्रीमियम पे चलना एक अच्छी बात है, उससे मार्केट के सेंटिमेंट अच्छे माने जाते हैं। तो दोस्तों क्या बात हुई कि हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी कारोबार कर सकते हैं, और इसका फायदा क्या हुआ, पूरा बाजार सबसे ज्यादा निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर में कारोबार कर रहा है। कारण यह है कि निफ्टी सारे सेक्टर, सारे स्टॉक्स के प्राइस का एवरेज है, तो उससे यह फायदा मिलता है कि कई बार आप बाजार में गिरावट आ गई, अब आप सोच रहे हैं ये शेयर खरीदूं, टाटा मोटर ले लूं क्या, या एचडीएफसी बैंक लेना चाहिए, या फिर हिंडाल को ले लेना चाहिए, मेटल सेक्टर चलेगा, या फिर डीएलएफ के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं और इतने में बाजार में शॉर्ट कवरिंग आ गई और आपका बॉटम का मौका चूक गया। कारण क्या था, बहुत सारे जब विकल्प आपके सामने होते हैं तो आपके लिए चुनाव उतना ही मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा ना हो और आपको सिर्फ निफ्टी पे ध्यान देना है कि निफ्टी नीचे है और अब पता नहीं कौन से सेक्टर, कौन से शेयर चलेंगे, लेकिन जो भी चलेंगे उसकी वजह से निफ्टी तो एवरेज है ऊपर आएगा, तो हम क्यों ना निफ्टी को ही खरीद लें। तो 17,000 के लेवल पे निफ्टी को परचेस कर लिया, 50 का लॉट साइज है, 17,000 × 50 बताइए क्या वैल्यू हो गई, 8,50,000 के आसपास की वैल्यू हो गई। इसके लिए आपको कितना मार्जिन लगता है आप अपने ब्रोकर से चेक करें। अब मार्जिन लगा सपोज आपको 1.2 लाख और आपने निफ्टी का फ्यूचर खरीद लिया 17,000 में। अब ये अगर 17,100 चला जाता है तो आप कितना पैसा कमाएंगे, आंसर करेंगे दोस्तों कमेंट में, आपको आंसर करना है कि 17,000 में आपने निफ्टी को खरीदा फ्यूचर को और 17,100 पे चली गई और वहां आपने प्रॉफिट बुक किया, निफ्टी का लॉट साइज 50 है, तो बताइए आपने कितना पैसा कमाया। ये होमवर्क है जो आपको करना चाहिए बार बार, ताकि जब वहां पे कैलकुलेशन करते हैं ना, आपको टाइम नहीं मिलता, चलते बाजार में बहुत तेजी से कैलकुलेट करना पड़ता है और वो डिसीजन का मौका बहुत छोटा होता है। कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी तेजी से 50 पॉइंट ऊपर गई, किसी को ध्यान नहीं है कि वहां 2500 मिल रहे हैं और हमारा 1 लाख रुपया अगर एंगेज हुआ था। अब दो तरह के फ्यूचर खरीदने में दो तरह के ऑप्शन है, एक तो आप इंट्राडे में खरीदते हैं या फिर एनआरएमएल करते हैं। एनआरएमएल करते हैं मतलब आप आउटस्टैंडिंग पोजिशन ले जाना चाहते हैं,
तो अगर इंट्राडे में खरीदा तो आपको कम मार्जिन लगेगा, और एनआरएमएल करके गए तो ज्यादा मार्जिन लगेगा, क्योंकि ओवरनाइट आप रख रहे हैं, रातों रात गिवडाउन जो भी हो जाएगा उसको संभालने के लिए ज्यादा मार्जिन की जरूरत पड़ेगी। तो कम मार्जिन जब आपने इंट्राडे में लगाया और आपको 50 पॉइंट मिल गए, सपोज 50 × 50 = 2500, तो आपको देखना पड़ेगा कि मैंने कितना पैसा लगाया था और उस पे कितने परसेंट की कमाई हो गई। अगर आपका 1,00,000 रुपए एंगेज हुआ और उस पे आपको 2500 रुपए मिल गया, तो आपने 2.5% एक दिन में बना लिया। अब 2.5% एक दिन में बना लेने से दोस्तों कितनी संभावना बनती। देखिए गारंटी की बात नहीं करता मैं, लेकिन संभावना तो बनी ना कि 2.5% आपने एक दिन कमा लिया। किसी दिन आपको 3-4% भी मिलेगा, किसी दिन 1% माइनस भी होगा, किसी दिन 0.5% माइनस होगा, किसी दिन 2% भी माइनस होगा, किसी दिन 1,00,000 रुपए का फ्यूचर आपने खरीद रखा है, निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर चली गई और आपको 7,500 रुपया मिल रहा है, 7.5% भी मिल रहा है। ऐसे करके साल का आप जो मार्जिन मेंटेन करते हैं, अगर वो 1-2% मेंटेन कर पाए तो आप बताइए साल का 250% से लेके 400% 500% तक की पॉसिबिलिटी बनती है। दोस्तों ऐसे देखा जाता है कि आपको मार्जिन कितना रखना चाहिए। और जब आप एक ट्रेड करें ना निफ्टी में, अपने ब्रोकर के साथ एक ट्रेड कीजिए, एक बार निफ्टी का फ्यूचर खरीदा और एक उसको बेचा, और जाके चेक कीजिए कि आपको कितना ब्रोकरेज लगा है, कितना आपको टैक्सेस लगे हैं, एसटीटी वगैरह, कितने दूसरे हिडन चार्जेस लगे हैं, और एक निफ्टी को ट्रेड करते वक्त कितना पैसा आपको प्रॉफिट में मिला और उसमें से कितना पैसा खर्च में कट गया। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा कि मैं एक बार निफ्टी का फ्यूचर खरीदता बेचता हूं, मुझे 150 रुपए या 180 या 220 इतना खर्च आता है, पहले ही अपने ब्रोकर के साथ चेक कर लीजिए, फिर आप तय कर पाएंगे कि निफ्टी में आपको बार बार ट्रेड करना है या नहीं करना है। अगर आपके चार्जेस ज्यादा हैं तो मैं आपसे कहूंगा बार बार आप ट्रेड नहीं करें। फिर आपको चाहिए एक बड़ा प्रॉफिट जब भी बड़ा ब्रेकआउट होता है, जैसे वीकली ब्रेकआउट हुआ, आपने पोजीशन बनाई, फिर आपको वहां पे 100 पॉइंट मिल गए, 100 पॉइंट बुक करके बाहर आ गए, 100 पॉइंट पे कितना प्रॉफिट मिलता है ये आपको बताना है। देखिए फ्यूचर के बारे में बात की मैंने, निफ्टी के फ्यूचर के बारे में है ना, और ओवरऑल फ्यूचर, फ्यूचर दो तरह के होते हैं, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर। अब हम बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मिड कैप, ये सब इंडेक्स के फ्यूचर है। ये नंबर्स हैं जिनको डेरिवेटिव में ही ट्रेड किया जा सकता है, इनके नाम की कोई कंपनी नहीं मिलेगी। स्टॉक फ्यूचर्स वो जो स्टॉक इक्विटी कैश में भी आप खरीद सकते थे, 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर 50 शेयर जैसा आप चाहें, डिलीवरी भी उठा सकते थे, इन्वेस्टमेंट भी करके रख सकते थे, लेकिन फ्यूचर में खरीद रहे हैं तो फ्यूचर में इनके प्री डिफाइंड लॉट है। लॉट साइज कैसे है, अगर शेयर की प्राइस बड़ी है तो लॉट साइज छोटा है, शेयर की प्राइस छोटी है तो लॉट साइज बड़ा है। तो आपको ऐसा पता लगेगा कि जैसे आइडिया की बात करूं, आइडिया का 70,000 का लॉट साइज है, क्योंकि आइडिया की प्राइस कितनी है, 14-15 रुपीज इंटू 70, तो कितना हो जाएगा, कोई 9 लाख के आसपास का टोटल वैल्यू हो जाएगा। अगर इसके अलावा मैं दूसरे शेयर की बात करूं, जैसे हम लोग बात करें मारुति की, तो मारुति कितना चलता है, 7,000-7,500 के बीच में कहीं, तो यहां पे जो लॉट साइज होगा वो कितना होगा, 150-125 इस तरह का लॉट साइज रहेगा। टोटल वैल्यू अरे फ्यूचर की 5-10 लाख रुपए के बीच में आती है। इनका जो मार्जिन होता है वो डिपेंड करता है स्टॉक की क्वालिटी पे, क्योंकि इसमें एक VAR मार्जिन है, वैल्यू एट रिस्क। जितना मिड कैप या स्मॉल कैप या इस तरह की कंपनी हो जो जिसमें रिस्क ज्यादा हो तो उसका VAR मार्जिन ज्यादा होगा, और फिर दूसरा जो बेसिक मार्जिन लगेगा ऐसे इंट्रिंसिक मार्जिन मिला के। और एक आपको हमेशा आप ऐसा करेंगे एनएसई फ्यूचर लॉट साइज एंड मार्जिन, तो आपको ज़ेरोधा का एक लिंक मिल जाएगा, दूसरे भी लिंक मिल जा सकते हैं। तो आपका होमवर्क है अभी कौन कौन से फ्यूचर का क्या लॉट साइज है, कितना मार्जिन लगता है, उस पर एक नजर डालेंगे। मेमोराइज नहीं करना है दोस्तों, जिस दिन आपको काम पड़ता है ना उस दिन आप जाके पता कर लेते हैं और काम कर लेते हैं। ये मार्जिन चेंज भी होता रहता है समय के साथ साथ, इसलिए आपको याद रखना नहीं है, दिमाग में यहाँ पे बिल्कुल भी कचरा नहीं रखना है। आप एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, सब कुछ गूगल में अवेलेबल रहेगा, लेकिन कुछ कुछ बातें जो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहे तो हमको डिसाइड करना आसान होता है। इसलिए याद रखें बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है, 25, और निफ्टी का लॉट साइज क्या है, 50। ये चीजें बदलेंगी नहीं ज्यादा, तो वहां तो आपको फ्यूचर में स्टॉक फ्यूचर में तो 500 से 600 स्टॉक फ्यूचर से जो अवेलेबल है, तो आप किस किस का लॉट साइज और मार्जिन याद रखते रहेंगे, तो अपने दिमाग को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर दिमाग को खाली रखेंगे तो इससे क्या होता है, आपका रिएक्शन टाइम कम होता है,
आपका इंट्यूशन बहुत शार्प होता है ताकि आप टाइम पे डिसीजन करके एग्जीक्यूट कर सके। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शन के बारे में, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन के बारे में।